गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 5 मई से लेके 24 जून के बीच का जो जीएसटी में लेट फाइलिंग होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट का परसेंटेज किसके लिए कितना होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है जो प्रेस रिलीज इशू हुआ था गवर्नमेंट ने जब रिलैक्सेशन दिया था जीएसटी के इंटरेस्ट रेट में। इसमें इन्होंने बताया था दोज हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर लेस देन रुपीज 5 crores कैन फाइल जीएसटीआर 3B ड्यू इन मार्च अप्रैल एंड मे 2020 बाय द लास्ट वीक ऑफ जून 2020। नो इंटरेस्ट लेट फीस एंड पेनल्टी विल बी चार्ज्ड। यानी कि 5 करोड़ से नीचे जो भी टैक्स पेयर हैं उनको 24 जून यानी कि लास्ट वीक ऑफ जून तक अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी लेट फी या कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। अदर कैन फाइल रिटर्न्स ड्यू इन मार्च अप्रैल एंड मे बाय लास्ट वीक ऑफ जून 2020 बट द सेम वुड अट्रैक्ट रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फ्रॉम 15 डेज आफ्टर द ड्यू डेट। करेंट इंटरेस्ट रेट इज 18%। नो लेट फी एंड पेनल्टी विल बी चार्ज इफ कंपाइल्ड बिफोर द 30th जून 2020। यानी कि ये मतलब हुआ है कि 5 करोड़ से नीचे वालों को कोई इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी नहीं देनी होगी लास्ट वीक ऑफ जून तक। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको लेट फीस तो नहीं लगेगी लास्ट वीक ऑफ जून तक, लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, बट वो होगा रिड्यूस्ड परसेंटेज, 9% लगेगा जो कि पहले 18% लगा करता था। अब ये 18% और 9% में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 18%, एसजीएसटी 18%। तो ये जो चीजें आई हैं इसको मैं अगर नोटिफिकेशन के अंदर देखूं तो आपको चीजें और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 31 जो आया है सीजीएसटी के अंदर सेंट्रल टैक्स में। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि अगर आप अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद 15 दिन तक फाइल कर देते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा रिड्यूस्ड रेट के लिए, और वो जो लगेगा वो लगेगा 24 जून तक। तो कहने का मतलब है कि मार्च 2020 की रिटर्न 20 अप्रैल को ओरिजिनली ड्यू होती है, अगर 5 मई 2020 तक उसकी फाइलिंग कर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 5 मई के बाद 24 जून तक जो इंटरेस्ट आपको देना होगा वो देना होगा 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी का। सिमिलरली अप्रैल महीने में भी वही चीजें लागू होंगी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो क्या होगा, लेकिन 1.5 करोड़ से ऊपर है तो 5 करोड़ से कम अगर है किसी भी सिचुएशन में तो आपको इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगेगा फरवरी महीने के लिए, मार्च महीने के लिए और अप्रैल महीने के लिए। जो भी रिटर्न है आप फाइल करेंगे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा विदाउट एनी कंडीशन। अगर आप फरवरी और मार्च महीने की रिटर्न 29 जून तक, अप्रैल महीने की रिटर्न 30 जून तक फाइल कर देते हैं, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से भी कम का है तो आपको 30 जून, 3 जुलाई और 6 जुलाई के लिए टाइम पीरियड दिया गया है, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने का रिस्पेक्टिवली, इस पीरियड तक कोई इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा। तो इस कंफ्यूजन को लेकर के काफी लोगों की कमेंट्स भी आ रही थी कि इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, 9% या 18%। यहां पर लोगों को समझना होगा कि सेक्शन 50 जो है वो किस चीज की बात कर रहा है। आप देखेंगे अगर तो सेक्शन 50 का सबसेक्शन 1 कहता है एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर बट फेल्स टू पे द टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ टू द गवर्नमेंट विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड शैल फॉर द पीरियड फॉर विच द टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ रिमेन अनपेड pay on his own interest at such rate not exceeding 18%। यानी कि CGST का section 50 जो है वो बात करता है rate which will not exceed 18%
सिमिलरली एसजीएसटी के अंदर एक रेट प्रेस्क्राइब्ड है जो कि 18% से ऊपर नहीं जा सकता। अगर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊं जो ओरिजिनल आया था कि जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना होगा, नोटिफिकेशन 13/2017 28 जून 2017 का, तो इसमें ये बताया गया है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 1 एंड 3 ऑफ सेक्शन 50, सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 54 जो कि बात करता है रिफंड की, सेक्शन 56 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय फिक्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल एज मेंशनड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन कॉलम नंबर 3। तो ये जो रेट स्पेसिफाइड है ये सीजीएसटी के रेट स्पेसिफाइड है, मतलब सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 जो है वो 18% का इंटरेस्ट लगेगा, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50 के अंदर 24% का इंटरेस्ट लगेगा और एसजीएसटी में आप करेंगे तो वो 24% अलग होगा, यानी कि 18% सीजीएसटी और 18% एसजीएसटी का। सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 54 जो है वो 6% रहेगा आपका सीजीएसटी का इंटरेस्ट और सीजीएसटी के अलावा एसजीएसटी में जो आपको रिफंड का इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% रहेगा। तो इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में 18% था उसको रिड्यूस करके 99% पर ले आया गया है। तो अब इस चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि जीएसटी का जो इंटरेस्ट है वो कितना लगेगा 5 मई से पहले और 5 मई के बाद कितने टर्नओवर पे कितना लगेगा वो भी क्लियर कर दिया गया है।